सरकार। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाए जाने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा, जिसमें करीब 12 से ज्यादा प्रदेश के मंत्रियों का प्रदर्शन निकाय चुनावों में खराब रहा है। निकाय चुनाव में हार, बीजेपी खेमे में रार। मंत्रियों के खराब प्रदर्शन पर मंथन, 12 मंत्रियों की सीटों पर बीजेपी की हार और जीते प्रत्याशियों की हो सकती है वापसी सूत्र। एसपी सिंह बघेल के संसदीय क्षेत्र आगरा के जलेसर में बीजेपी की हार हुई, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री सांसद कौशल किशोर अपने लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अंतर्गत अपनी 7 प्रमुख नगर पंचायत सीट हार गए, जिसमें नगर पंचायत मोहनलालगंज, अमेठी, बंथरा, नगराम, बक्सी का तालाब, मोहाना और मलिहाबाद सीट शामिल है, जबकि यह उनका गृह क्षेत्र है और उनकी पत्नी जय देवी कौशल मलिहाबाद सीट से विधायिका भी है और उनके रिश्तेदार अमरेश रावत मोहनलालगंज विधानसभा से वर्तमान में विधायक भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी के इन जिलों में हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है, मतदान करने वाली देवतुल्य जनता से दूरी या फिर विकास के काम से दूरी। लेकिन इन सब के बीच आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, तो ऐसे में बीजेपी की ये हार थोड़ी सी मुश्किलें ला सकती है, जिसको लेकर बीजेपी को घोर मंथन की जरूरत है।